हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी दोपहर के हो रहे हैं 3:30, और मैं पूरे काम अब निपटा करके और बैठी हूँ सिलाई करने, क्योंकि सुबह भी सिलाई की थी मैं। फिर उसके बाद मैं लग गई काम में, फिर खाना वाना बना करके सब करके अपना फिर बैठ गई हूँ सिलाई में। तो मैं सिलाई तो नहीं दिखाई, सबसे पहले मैं चाहती थी कि कच बटन ही दिखाऊँ, तो मैं कच बटन करके दिखाती हूँ और हुक भी लगा करके दिखाऊंगी आप लोगों को। कितने अच्छे से मैं सरल तरीके से बता रही हूँ, देखिए। हेलो पेन, अभी सुबह हो रहा है, अभी सुबह नहीं, अभी दोपहर हो रहा है। दोपहर हो रहा है, टाइम बज रहे हैं कितना टाइम बज रहा है? अभी साढ़े तो तीन बज रहा है। 3:30 बजे हैं और मम्मी सिलाई कर चुकी है और मम्मी को मम्मी को चाय फिर कर हम लोग आज कहाँ जाएंगे? कुत्ता हाँ, आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने। हम लोग और शादी में जाने वाले हैं ना, हम हाँ छोटी लाइट हम लोग लाइट वाले शादी में जाने वाले हैं। और है शादी में और को हाँ लाइट ठीक है ना, फिर अब तेरे को ले जाएंगे, वहाँ पक्का सोना मिल जाएगी, ठीक नहीं ना? देखे थे तो हाँ, आप लोग तो जानते ही होंगे सोना डे को। मेरा बाबू उसका बहुत बड़ा फैन है, वो कहता है कि मुझे सोना डे से ही शादी करना है, भले मैं उससे बहुत 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 छोटा हूँ, लेकिन मैं फिर भी वेट करूँगा। हाँ है ना भैया? हाँ, मैं हाँ हाँ जब बड़ा बड़ा हो हो जाऊंगा जाऊँगा तो मैं करूँगा सोना डे से। हाँ, ये मैसेज सोना डे को जरूर से जरूर पहुँचा दें कि अच्छी बात है कि छोटे भी है फैन हैं उनके, और बड़े भी हैं, और हम लोग भी हैं, है ना भैया? हम लोग को भी बहुत पसंद है सोना डे, है ना? आपकी और कौन है? मुकुंद जैन। हाँ हाँ बारी तो हम हम लोग रायपुर तो लोग जाते हैं ना भैया, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हाँ हम लोग खाएंगे स्पेशल हम जाएंगे सोना डे से मिलने। हाँ हम लोग जाएंगे आज घूमने, और हम लोग खाएंगे हम आज चॉकलेट चाट चॉकलेट लेंगे, खाएंगे। हाँ चाट आज मेरा लेंगे, बाबू, अच्छा खाएंगे सुनो सुनो, आज क्या क्या खाया है? सिर्फ और सिर्फ अंगूर खाया है बाबू। हाँ यानी आधा किलो अंगूर लाए थे, अभी मेहमान आए हैं, आधा किलो अंगूर पूरा बाबू खाया, उसमें से थोड़ा सा बच्चा होगा ना भैया, पूरा आप ही खाए हो, और आज खाना नहीं खाया है, सुबह सिर्फ ये बॉर्नविटा और चोको खाया है ना भैया? वो हाँ, पापा और हम बड़ा लोग, हाँ ठीक है जो ना, बड़ा वाला ला देंगे। उसके बाद हम लोग इधर फ्री हो जाएं सिलाई वलाई करके, फिर उसके बाद जाएंगे घूमने, और हम लोग चाट खाएंगे। हाँ, जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो सिलाई भी करेगा, ठीक है? बाबू बाबू की बातें खत्म, बस बस इतना ही बनाना था वीडियो। हाँ मैं, आप भी सिलाई करोगे, मैं भी सिलाई करूँ। हाँ चलो चलो, अब बाय बोलो, बाय बोलो पहले। हाँ बाय बाय बाय। अब सबसे पहले ये हो गया तैयार, सुई जो रखेंगे, सबसे पहले लेंगे चौक। सबसे पहले ये बटन लगाने के लिए ऐसा करके ये बराबर मेरे को लगाना, इतना लंबा है तो इसको ये छः छः लगाना है। तो ये मैं इसको ऐसी नाप ली हूँ, तीन तीन अंगुल के हिसाब से इसको ऐसे टिक लगा ली हूँ, देखिए सेम वही लगा है। अब सबसे पहले ऐसे टिक लगाना ज़रूरी है ताकि इधर उधर ना हो। अब मैं ये वाला पानी वाला एकदम, इसमें बिल्कुल कलर नहीं आता, जिसमें भी लगाओ सब में आता है, ये मैच कर जाता है। और ऐसे करके लगाते जाना है ऊपर या नीचे कहीं से भी, तो मैं लगा रही हूँ नीचे से। ये ना इधर लगाना चाहिए ना इधर, बिल्कुल ये दो मैं बीच सिलाई करती हूँ, एक सिलाई दो सिलाई उसी के बीचों बीच मैं इसको ऐसे रखती हूँ। और ये ज़्यादा ज़्यादा छोड़ना भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा छोड़ना ज़रूरी है, और उसके बाद इधर भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाता है। बिल्कुल जस्ट उसके ही बीचों बीच रखूँगी, और ऐसे ये सबसे पहले से कर ली हूँ। अब मैं इसको डालती हूँ ऐसे, अब ये नीचे से करना है और ऊपर निकालना है ऐसे, फिर यहाँ से बगल वाले डालेंगे छेदा से, फिर इसको ये सेम ऐसे ही ये ऐसे शुरू करना है पहले,
बाहर इधर पीछे से और इधर से डालते जाना है, और ये दोनों में कर देना है ऐसे पकड़ पकड़ के सिलाई ऐसे करके, उसके बाद में ये पीछे में ही यहाँ पर ऐसे करके गठान लगाते जाना है, ये ऐसे करके ये ऐसे ये। अब इसको काटना नहीं है, अब जैसे ये दूसरे नंबर में यहाँ अभी दिख रहा है ये जो टिक लगाई हूँ, अब फिर यहाँ पर रखेंगे ऐसे बिल्कुल उसके बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे सेम ऐसे ही करते जाएंगे, धागा नहीं काटेंगे, चलाते जाएंगे ऐसे ही। अब पूरा करती हूँ फिर दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे मैं पूरे बटन को लगा ली हूँ, रखेंगे ऐसे नीचे और इसको रखेंगे ये इधर वाले कज वाले को ऊपर ये, और ऐसे ही इस पर आऊँगी और ये देखिए ऐसे ये आ जाएगा यहाँ पर ये 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 लगते जाएगा ऐसे, उसको देख लेना है कि पूरा सही है कि नहीं। एक ये पूरा मैं चेक कर ली हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ काट के लगा ली हूँ ये। अब इसी को बीचों बीच करना है क्योंकि ये ज़्यादा किनारे भी नहीं होना चाहिए, उससे खुल जाएगा, और ज़्यादा इधर भी नहीं लाना है कि टाइट हो जाएगा। जस्ट इसके बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ये बचा करके इसको ऐसे मोड़ना है, और एकदम ज़रा सा ये ऐसे कैंची से इसे काटते जाना है ये ऐसे ये ये देख लेना है कितना इसको चाहिए, थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से ऐसे काटते जाएं ऐसे सेम ऐसे ही पूरे को काटना है, और दूसरी साइड से पैक करना है ना, इस छेदा बढ़िया सफाई से दिखने लगे। और ये सबसे पहले ये डाल ली हूँ इसको मैं सिंगल धागा यानी कि डबल एक बार डाली हूँ, और सबसे पहले लेंगे यहाँ से बिल्कुल बीचों बीच से ये यहाँ से लेंगे बिल्कुल बीचों बीच से ऐसे, फिर उसी में डालेंगे इसको ये डाले फिर से वहीं, और फिर से इसको ऐसे एक बार ऐसे घुमा देना है सुई के पास, सुई से इसको घुमा देना है एक बार, फिर इसको आराम से ऐसे ये ऐसे ये ऐसे बनाते जाना है इसको गठान गठ, और फिर इसी ये इसी छेदा से फिर इसको इधर के कपड़े को लेकर के फिर ऐसे मारना है, फिर ऐसे घुमाना है ये, फिर एक बार ऐसे घुमाना है एक एक बार, जितने बार इसको लेते जाएंगे घुमाते जाएंगे, फिर इधर लेना है फिर से इसे घुमाना है, फिर जी हूँ ये सेम ऐसे ही पूरा इसको ऐसे चारों गोलाई से पूरे साइड से गोलाई से इसको ऐसे ही पैक करते जाना है सुई से, ये सेम ऐसे ही सबको बना लेंगे, ये पूरा ऐसे ही डालना है, फिर एक सुई घुमाना है और बस ऐसे गठान लगा लगा के पूरा गठान को अंदर ही अंदर में सेट करना है, और ये ऐसे बन के ये तैयार है कज, और पूरा ऐसे ही बना लेती हूँ दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसे ही पूरा बना के मैं इसको कर ली हूँ कंप्लीट, से चार परत इसको डाल ली हूँ धागा को सुई में, और ऐसे ही बता रही हूँ कोई भी कपड़े में, और ये रहा हुक से, ये अब मैं इसको ऐसे लगाऊंगी ऐसे रख के ये ऐसे रखना है, और फिर उसके बाद ये जो है ये दोनों मैं इसको धागा को ऐसे छेद से कर करके भर लेना है उल्टे साइड से ये ऐसे
ये ऐसे ये, और इधर भी फिर ऐसे भर के दोनों साइड। अब भरना है इधर ये, अब मेरे को ये दोनों भर ली हूँ, अब इसमें बनाना है। तो इसमें ऐसे बगल से निकालना है ऐसे, फिर इसमें ऐसे फंसा लेना है ऐसे, और फिर से ऐसे बगल से करना है, फिर आ जाएगा ऐसे, फिर इसे ऐसे करके ऐसे फंसा, ये ऐसे करके गठान लगा देना है, फिर इसको कर देना है कट। ये सेम धागा रहेगा, दिखता नहीं है इतना, नहीं दिख रहा इसलिए दिखाई हूँ, वाइट धागा में करके फिर ऐसे ही लगा लेना है। अब ये हुक का कज बनाने के लिए सबसे पहले नीचे से ले लेंगे, और फिर थोड़ी सी दूर में ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा पकड़ते हुए इसको ऐसे सिल लेना है, और फिर जहाँ से निकाले हैं फिर वहाँ से थोड़ा सा लेंगे ऊपर ही ऊपर में, ऐसे दो तीन बार ले करके जी। अब ये इसको ऐसे करके ऐसे घुसेड़ के देख लेंगे, और उसके बाद ऐसे कर फंसा फंसा के ये ऐसे, फिर ऐसे फंसाएंगे, और फिर इसमें ऐसे करके घुसाते जाएंगे ऐसे। और ये अगर नहीं लगाना है इस टाइप का, तो ये वाला आता है हुक लगाने का, ये क्योंकि बस यहाँ से दोनों को लॉक कर देते हैं, ठीक है ये लग जाता है, या तो फिर ये ऐसे वाला लगा लो। ये एकदम ईजी तरीके से बता दी हूँ, आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया हो और पसंद भी आया होगा। ऐसे ही कुछ बना करके दिखाऊंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब थोड़ा थोड़ा करके मैं कटिंग दिखाना चालू करूंगी, ताकि आप लोग को भी मैं बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगी। इतना ज़्यादा चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये ब्लाउज में ये कज बटन अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।